नमस्कार दोस्तों, एथीस ट्रेडिंग ऑफ आर्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसे कि हम हर वीक एक वीडियो लाते हैं वीकली एनालिसिस की, वीकली एनालिसिस में हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की एनालिसिस करते हैं। इस बार देख लीजिए कि निफ्टी कर क्या रहा है। निफ्टी ने हाई लगाया था, हमारा इस वीक लगाया था हाई 19,843 का, और लो लगाया था 19,480 का, और क्लोज हुआ है 19,751 पर। तो मैंने लास्ट टाइम भी वीडियो में बताया था निफ्टी की और बैंक निफ्टी की वीडियो में कि ये जो हैमर दिखाई दे रहा था, ये इसके ऊपर नीचे इसे मार्क कर लेना जरूर, और इसके ऊपर नीचे जब ट्रेड निकले तो कर लेना, ट्रेड लेना। ऊपर निकला तो ये ट्रेड मिली हमें, मगर ये 2 दिन आगे जाके अगले दिन जाके हमें साइडवेज में लिखे रही थी। कोई नहीं, मगर हम इसी बीच में प्लान करेंगे, बस ये फोकस बना कर रखना है। अब क्या करेगा निफ्टी देख लीजिए। निफ्टी अब मेन सपोर्ट है इसका निकल कर रहा है 19,235 का। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको 19,235 का ये सपोर्ट है, ठीक है जी। और अगर इसे टूटता है तो 18,887-87 का ये सपोर्ट निकल कर आएगा, ठीक है। वरना यही जो मैंने आपको बताया था ना, इसके ऊपर निकलेगा जब हैमर के, इस हैमर के जब ऊपर निकलेगा तो ये स्लो एंड स्टडी ये इसे टच करता हुआ नजर आएगा। 20,000 का साइकोलॉजी रेजिस्टेंस है, साइकोलॉजी रेजिस्टेंस है, इसका बड़ा ध्यान रखेगा तो इसको टच करता हुआ नजर आएगा। वीकली देख लेना, इस वीक तो कुछ मोमेंट मिलनी चाहिए जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ चांसेस है कि इसे टच करता नजर आए। अगर इसको लोगो, मैं फिर बता दूं आपको, मार्केट में 2,000 और ओ सॉरी 20,000 और 19,235 के बीच में ही ट्रेड बनती है अभी फिलहाल। अगर इसे ब्रेक करे, नीचे को ब्रेक करे, तो ट्रेड अच्छी और बड़ी मिलेगी, वरना इसी बीच में प्लान करना। जो शॉर्ट पोजीशन बनाते हो, इससे ऊपर का शॉर्ट करके रखें, इससे नीचे का शॉर्ट करके रखें, बात खत्म, ठीक है। इसी बीच में हम प्लान करेंगे जो हमें नेक्स्ट मूव नज़र आएगा, इससे ऊपर आएगा निकल के, ये इससे ऊपर, ये इससे ऊपर, इससे ऊपर आएगा हमें निकल के ये 19,470 का, और 19,800 से ऊपर एक ऊपर नीचे मूव नज़र आएगा। ना तो इसी बीच में छोटे छोटे ट्रेड लीजिएगा, कोशिश करिएगा कि इसमें छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करें, ठीक है दोस्तों। बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी की मैंने तुम्हें एक एनालिसिस वीडियो में बताया था कि ये जो हैमर है, क्या ये हैमर काम कर पाएगा अपना, देख लीजिए हैमर को। क्योंकि ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये जो दिखाई दे रहा है, ये यहाँ से निकलने के बाद मार्केट ने एक रैली दी जो अपने लॉन्ग टाइम हाई के आसपास टच कर गया। वापस एक हफ्ते में कितनी बड़ी सेलिंग आई थी। अब मार्केट क्या कर रहा है, 1, 2 और 3, 3 वीक से मार्केट यहीं ट्रेंड कर रहा है, 3 वीक से मार्केट यहीं ट्रेंड कर रहा है, जो कि लेवल है 45,025 का और 43,800 के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। कोई अगर बैंक निफ्टी में, एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, अगर पैनिक होती है तो 43,300 से नीचे पैनिक लेवल होगा दोस्तों। ये हम तुम्हें बता रहे हैं कि पैनिक लेवल होगा, अगर इसी के नीचे मार्केट निकलती है तो एक पैनिक लेवल होगा, वरना 43,800 से टूटेगा तो सपोर्ट निकल कर आएगा 43,300 का। अगर अब जो नेक्स्ट मूव मिलेगी ना, अच्छी मूव जो मिलेगी हमें इसी बीच में, इसके इसको और इसको, ये निकल के निकले ना तो हमें एक नेक्स्ट मूव निकल कर आएगी, नहीं तो इसी में ट्रेड करेंगे। और निफ्टी में आपको ये चीज़ देखने को और मिलेगी, हमने एक बार आपको वीकली एनालिसिस में बताया था फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट करके निकला, फ्लैग पैटर्न बना रहा था, उसका ब्रेकआउट किया था। अब देखो फ्लैग पैटर्न बनाने के बाद जब उसे वापस आया, इसे टेस्ट करने के लिए आ रहा है, उसके बाद फिर निकलना स्टार्ट कर दिया। जब भी इसे तोड़ेगा तो ये निकल गएगा निफ्टी में, ठीक है। ऐसी ही बैंक निफ्टी में है, ऐसी बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में देखो ये टॉप बनाया, अब दूसरा टॉप बनाया, ये हाई था लाइफ टाइम हाई, ये दूसरा लाइफ टाइम हाई था, इसको टच करा दोबारा से, पैनिक आया, फिर लाइफ टाइम हाई बनाया, फिर पैनिक आया, ठीक है, बस इतना ही। मगर मार्केट
43,800 और 43,300 के नीचे नहीं निकल पा रही है दोस्तों। एक तो ये फ्लैग पैटर्न जो था ये नहीं निकल पा रही है, ये लेवल बहुत हैवी सपोर्ट है ये दोस्तों, ब्लैक लाइन की जो आ रही है ना बहुत हैवी सपोर्ट है, तो इसी बीच में हमें ट्रेड करनी है इसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में। फिर निफ्टी देख लेते हैं, फिर निफ्टी इंटरेस्टेड है, फिर निफ्टी इंटरेस्टेड रहेगा, फिर निफ्टी में चार तो सबके सेम सेम से बनने लगे हैं, जिधर को भी मार्केट रिएक्ट करेगी बहुत अच्छा मूव देगी, बहुत अच्छा। लेफ्ट टाइम हाई पैनिक आया, एक ही हफ्ते की कैंडल है, एक ही वीक की कैंडल है दोस्तों, जो 2 वीक का हाई खा के गया है ये। मगर पिछली बार पिछले टाइम क्या हुआ था, पिछले जब ये चार्ट बना था ये वाला लेफ्ट टाइम हाई बनाया था, ये 1 2 3 4 5 एक महीना लगाया था नीचे गिरने के लिए, मगर इस बार पिछली बार इसी महीने में वीक में क्या हुआ था, जो ये हुआ था 4th वीक में, तो ये जो निकल गया एक ही वीक में। अब देखो 3 महीने 3 वीक से, 3 वीक से क्या कर रहे हैं, 1 2 3 3 वीक से इसी बीच में ट्रेड कर रही है। अगर इसी बीच में ट्रेड करें तो सोचो सबके इनके एसएल यहाँ होंगे, इनके एसएल यहाँ होंगे, जिधर की एसएल कटेंगे उधर को फास्ट मूव आएगा, मगर यहाँ के एसएल कुछ के यहाँ भी होंगे, ठीक है, कुछ के एसएल यहाँ भी होंगे, कुछ के यहाँ होंगे, तो यहाँ जो नीचे को आएगा तो एक सपोर्ट बन गई ये आ जाएगा, मगर जब ऊपर के एसएल कटेंगे ना तो फास्ट मूवमेंट दिखाई देगी, जो हमें दोबारा से एक लाइफ टाइम हाई बना देने जा रहेगी, लाइफ टाइम को टच कर देने जा रहेंगे, और सेम ऐसी बैंक निफ्टी में रहेगा, यही लेवल है, क्योंकि दो दो जो सपोर्ट निकल के आ रहे हैं ना सब में, दो दो सपोर्ट निकल के आ रहे हैं, पैनिक सपोर्ट होगा ये ब्लैक लाइन जो मैं बताता हूँ और बार, ठीक है, पैनिक जो होगा इसके नीचे होगा मार्केट में, और जब इनके एसएल कटेंगे, इनके एसएल यहाँ के एसएल कटेंगे तो ये टच आएगा, मगर कुछ के एसएल यहाँ है, कुछ के एसएल यहाँ है, और जब ये एसएल कटेंगे ना दोस्तों फिर देखना इसका मूव, ये तुम्हें 45,777 तक दिखाई देगा निकलते हुए, 45,700 तक, मगर उसके लिए इसे 45,000 का बैंक निफ्टी में 45,000 का लेवल निकालना पड़ेगा, ठीक है, ये हमारी एनालिसिस है। इसी बीच में हम ट्रेड करेंगे, दोबारा से देख लीजिए निफ्टी में आपको मैंने बता ही दिया है, पहला रेजिस्टेंस बन रहा है इसका, निकल कर आ रहा है कि जब ये 19,800 का लेवल निकालेगा तो 20,000 का लेवल टच करते नजर आएंगे इस वीक में, अगर 19,200 को तोड़ता हुआ नजर आता है इस वीक में, 18,888 का लेवल टेस्ट करते नजर आएंगे। बैंक निफ्टी में दोबारा से देख लीजिए, यही है 45,000 का लेवल टच करते नजर आएंगे, अगर इसे तोड़ते हैं तो हम 45,777 को टच करते हुए आएंगे। फिर निफ्टी में देख लो 19,946 और 19,428 के बीच में ही मार्केट रिएक्ट करने वाली है, 4 और 3 वीक का एसएल कटेंगे, जिधर को भी कटेंगे ध्यान रखना दोस्तों, 3 वीक के एसएल कटेंगे इसमें भी, ठीक है जी, 3 वीक के एसएल कटेंगे ही, 3 वीक के एसएल, 3 वीक के एसएल देख लो दोस्तों, ये भी 3 वीक के एसएल कटेंगे, भी 3 वीक कैसे लोगे, जिधर को कटेगा फास्ट मूवमेंट होगी, नीचे की तरफ को स्लो होगी तो ऊपर की तरफ को बहुत फास्ट होगी, और जब नीचे की तरफ को गिरती है मार्केट तो तुम्हें पता ही है गिरती हुई छुरी है दोस्तों, जब नीचे गिरेगी हाथ डालने वाला जल्दी से कोई नहीं होता, तो ध्यान रखें मार्केट का स्नैचो देखते रहें, चेक करते रहें, और वीकली एनालिसिस आपको कैसी अच्छी लगी हमारी वीडियो की तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।